देखिए इस समय इंडिया और यूएस मीडिया में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चर्चा हो रही है, क्या इंडियन फिल्म ट्रिपल आर को सच में 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है। तो चले आइए जानते हैं आखिर ऑस्कर मिलना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। देखिए इस समय राजा ने सर्वे इंडिया में बल्कि वो अभी यूएस में उनको रिसेंटली इनवाइट किया गया TIFF 2022 सेशन में एज ए चीफ गेस्ट, जब उन्होंने ढेर सारी बातें की ट्रिपल आर के बारे में, उसके पूरी दुनिया में सक्सेस के बारे में, और फिर वही उन्होंने अनाउंस भी किया था मेरी अगली फिल्म है स्वाभु के साथ जंगल एडवेंचर पर होगी जो पैन वर्ल्ड रिलीज होगी। और आजम शर्मा हॉलीवुड के काफी सारे फिल्म मेकर से मिले, जरा अभी इस पोस्ट को देख लीजिए। देखिए यह पोस्ट ट्रिपल आर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने डाला है, जहां हमें साफ साफ दिख रहा है भैया अभी भी ट्रिपल आर फिल्म यूएस का थिएटर में वैसे ही चल रही है जैसे 3 महीने पहले चल रही थी। ऊपर से ट्रिपल आर का क्रेज अभी भी अमेरिका में कम नहीं हुआ है, तो सिर्फ 25 मिनट पूरा थिएटर हाउसफुल नहीं हो गया था। देखिए एक पिक्चर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां राजा मुनि सर एक हॉलीवुड का डायरेक्टर के साथ खड़े हुए हैं, जहां वो दोनों साथ में ट्रिपल आर मूवी देखने गए थे सेम थिएटर में। और इस चीज को लेकर काफी लोग इस सोच में पड़ गए क्या भैया महेश बाबू के जंगल एडवेंचर में हॉलीवुड डायरेक्टर साथ कोलैबोरेट करेंगे राजा मुनि सर। नहीं भैया बस एक इंसिडेंट था, क्योंकि दोनों एक ही समय पर ट्रिपल आर मूवी देखने जा रहे थे। खैर चलिए आते हैं मुद्दे पर। देखिए ऑस्कर अवार्ड पर मैंने 1 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, और उस समय भी यूएस में बहुत से मीडिया आर्टिकल छाप रहे थे ट्रिपल आर को ऑस्कर में सिलेक्शन होने के प्रेडिक्शन में, मगर असल में ट्रिपल आर को ऑस्कर जर्नी का वेब और भी तेज हो चुका है। पहले तो केवल आर्टिकल छपते थे और अब तो यूएस और इंडिया मल्टी मीडिया में डिस्कस भी किया जा रहा है क्या 2023 का ऑस्कर ट्रिपल आर जीत सकता है। देखिए मेरे हिसाब से ट्रिपल आर को कभी वो लोग ऑस्कर नहीं दे पाएंगे, चाहे कितने भी जनता हल्ला मचा ले या फिर मीडिया आर्टिकल छाप ले, ट्रिपल आर को ऑस्कर नहीं मिलने वाला है। और इस चीज को बोलने के पीछे मेरे पास रीजन भी है। देखिए भले ही ट्रिपल आर की स्टोरी फिक्शनल हो, मगर फिल्म का टॉपिक वही है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का, फ्रीडम फाइटर का, जो कि फिल्म ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को दर्शाया गया, उनको फिल्म में विलेन दिखाया गया, वो पक्का इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का टाइटल नहीं देने वाले हैं। रिसेंटली कुछ साल पहले विकी कौशल की सरदार उधम सिंह फिल्म को लेकर ऐसे आर्टिकल छापे जा रहे थे भैया पहली बार कोई इंडियन फिल्म ऑस्कर में जा रहा है, मगर क्या हुआ उन्होंने नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा इस फिल्म से ब्रिटिश सरकार के गलत इमेज दुनिया में फैलेगा, इसलिए हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ट्रिपल आर में ब्रिटिश सर को एज अ विलेन दिखाया गया जो हम इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते हैं, पक्का अभी के ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस के कारण ट्रिपल आर के भी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसे क्या को पता होगा काफी सारे इस समय अंग्रेजों के बड़े प्रोफेसर ट्रिपल आर को गाली दे रहे थे, राजा में सर को भला बुला बोल रहे थे, उनके हिसाब से ट्रिपल आर में सब कुछ नकली दिखाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है ट्रिपल आर को सच में वो लोग ऑस्कर दे देंगे या नहीं, अपनी राय जरूर दें। और साथ में इसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।